नमस्कार दोस्तों, निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री, आज आपको बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है ये जो मेरे गार्डन में लगा है, स्पाइडर लिली इसे कहते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें स्पाइडर लिली का फ्लावर बहुत अच्छे से खिल रहा है। तो ये जो फ्लावर होता है, इसका नाम स्पाइडर लिली इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो एकदम मकड़ी के जाले के समान इसमें से जो पेटल्स निकलते हैं, इस कलियों में से पेटल्स जो निकलते हैं जब फूल खिलता है, तो ये 6 पेटल्स होते हैं बाहर की तरफ, और अंदर जो है वो जो एक रचना होती है, ये एक मेम्ब्रेन के समान, झिल्ली के समान होती है, जिसके कारण ये मकड़ी के जाले के समान दिखाई देता है और इसलिए इसे स्पाइडर लिली कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये 2 कलर में होता है, एक तो रेड कलर में और एक वाइट कलर में, दोनों कलर बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दूसरा ये बंच में आता है, ये देखिए आप, ये जो ये है, ये इसमें से एक स्टाल्क टाइप की रचना निकलती है ज़मीन से लेकर ये वाली, और इसमें बहुत सारी कलियाँ एक साथ आती हैं, कुछ बाद में आती हैं, कुछ पहले आती हैं, और इस तरह इसमें मेरे उसमें तो ये कम से कम 15 कलियाँ हैं। जैसे जैसे पुराना पौधा होता जाता है 3-4 साल का, तो उसमें कलियों की संख्या बढ़ती जाती है, और ये कली एक साथ नहीं आती है, ये कली 1-2 करके 3-4, कभी 3-4 भी होती, जैसे आज है जो है 4 कली खिली हुई हैं, कल भी 4 कली खिली हुई थी। तो जिस तरह ये खिलती हैं कलियाँ, उस तरह ये जो है पौधे का जो फूल है ये काफ़ी समय तक रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरा, इसमें इसकी पत्तियाँ तो सुंदर हैं ही, परंतु इसका फ्लावर भी बहुत सुंदर होता है। इसमें अभी जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें ये 2-3 महीने तक लगातार ये जो है फूल खिलते रहेंगे। इनको कब उगाना चाहिए? इसको उगाने का अच्छा मौसम होता है फरवरी में, फरवरी मार्च में। इसको हम ये बल्ब से उगता है, कंद से या बल्ब से उगता है, जिससे कि हम उगाकर और हम उसी समय 3 महीने के बाद ही, 2 महीने के बाद ही फूल, यदि हमने फरवरी में उगाया है तो हमें ये अप्रैल मई जून में ये फूल मिल जाएंगे, यदि हम इसको बल्ब से उगाते हैं। और बहुत ही अच्छे फ्लावर होते हैं, इसमें जब नया होता है तो ये इसकी कंद छोटी होती है तो कम कलियाँ आती हैं। ये मेरा 4 साल का है, पुराना है, इसलिए इसमें जो है बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। और इसमें इसकी जो मिट्टी है, कैसी मिट्टी होना चाहिए, फिर इसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, जिसमें 50% गार्डन सॉयल, 20% इसमें रेत और 20% गोबर की सड़ी हुई पकी हुई खाद, ये सब मिलाकर हम गमले में रख लेंगे और गमले में इसको कंद को अंदर लगा देंगे। इसके बाद इसका केयर कैसे करना चाहिए? केयर करने के लिए इसमें 2-3 बातें बहुत अच्छी से केयर करते हैं, क्योंकि ये गर्मी का फूल है और गर्मी में ही 4-5 घंटे की इसको धूप चाहिए। दूसरा, धूप में रहने के कारण इसमें पानी गर्मी में रेगुलर 2 बार पानी चाहिए। तीसरा, इसमें कीटनाशक के लिए यदि इसमें कोई भी कीड़ा लगता है तो उसके लिए नीम ऑयल 3-4 बूंदें 1 लीटर पानी में डालकर उसका हम छिड़काव कर देंगे तो इसमें कीट नहीं लगते हैं। इसके अलावा इसको हमें थोड़ा सा, जैसे कि आपने देखा होगा ये जो है फूल आ चुका है, देखिएगा, है ना, कि ये कल लगा था, तो जैसे ही फूल ख़त्म हो जाता है इसको हमें तोड़ देना चाहिए इस तरह। यदि हम इनको तोड़ देंगे तो हमारी जो नई कलियाँ खिल रही है, जैसे अभी ये नई कलियाँ खिल रही है ये वाली, ये देखिए आप, तो इस नई कली को पोषक तत्व मिलेंगे और नई कली जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बड़ा फूल देगी, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसमें इसको बरसात के दिनों में, या हम इसको ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो हम इसको इंडोर रख सकते हैं, वैसे ये आउटडोर प्लांट है। तो ये बहुत ही सुंदर पौधा है, इसको हमें उगाना चाहिए और बड़े पौधे को 3-4 साल के बाद रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल के पूरा का पूरा, और उसमें से उसके जो कंद है, उसका बल्ब है, उसको अलग करके 3-4 प्लांट हम बना सकते हैं। इस तरह ये पौधा बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी उगाएं और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं। ये देखिएगा, मैं पूरा पौधा बताती हूँ आपको, ये देखिए, ये गमले में उगा रखा है मैंने, बहुत ही सुंदर है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।